वहीं जयपुर पंचायती राज बचाओ रैली में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है। प्रदेश भर से कर्मचारी अधिकारी इस दौरान यहां पर पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। तो कर्दनी में प्रदेश भर से कर्मचारी और अधिकारी मौजूद है। पंचायती राज बचाओ रैली में बड़ी संख्या में इस दौरान भीड़ देखी जा सकती है। सामूहिक इस्तीफे, पंचायती राज अधिकारी 12,000 अधिकारियों कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे, वहीं पंचायती राज परिषद की सभा में एकत्र किए जा रहे हैं ये सारे इस्तीफे। तो गुस्सा साफ तौर पर यहां पर देखा जा रहा है और अब यहां पर कहा जा रहा है कि मंत्री राजेंद्र राठौड़ को इस दौरान इस्तीफे ये सौंपे जाएंगे और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मदन कलाल यहां पर जुड़ गए हैं। मदन, किस तरह से ये आंदोलन और किस तरह का गुस्सा फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहा है? कहा जा रहा है इस्तीफे यहां पर राजेंद्र राठौड़ को सौंपे जाएंगे, कब तक सौंपे जाएंगे? जी, बड़ी सभा चल रही है राजस्थान पंचायती राज परिषद की। इस वक्त यहां पर कर्दनी के सेंट्रल पार्क में बड़ी संख्या में आप सभा का नजारा देख सकते हैं। लगातार प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी आए हुए हैं और इस्तीफे एकत्र किए जा रहे हैं। करीब 12,000 कर्मचारी और अधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे हैं। वो सभा समाप्ति के बाद पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ को सौंपे जाएंगे। कर्मचारियों ने सभा में एक टैग लाइन दी है कि याचना नहीं अवरण होगा, यानी सरकार से आर पार की लड़ाई की मूड में है ये अधिकारी और कर्मचारी और मंच से। क्योंकि मदन आप वहां पर मौजूद हैं और इस दौरान जैसा कि हम देख पा रहे हैं सब यहां पर संबोधन को बहुत ही गौर से सुन रहे हैं, उस संबोधन में किस तरह का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ रणनीति यहां पर तय की जा रही है? जरा जी, करीब 15 मिनट पहले ये करीब सभा शुरू हुई है। करीब 3 किलोमीटर का सफर करके ये अधिकारी और कर्मचारी सभा स्थल पर पहुंचे हैं और ये आते ही सबसे पहले सीधी सरकार को चुनौती दी गई है कि आचार संहिता, सरकार चुनावी आचार संहिता का इंतजार कर रही है लेकिन हमारा ये आंदोलन चुनाव आचार संहिता के बाद भी इसी तरह से जारी रहेगा यदि मांगे नहीं मानी गई, और इसमें और भी कई तरह की रणनीति सभा में अभी तैयार की जाएगी। करीब 1 घंटे पर सभा चलेगी, यानी कि सीधे तौर पर आचार संहिता से पहले ही यहां पर चुनौती सरकार को दी गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदन हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन